दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खजब समाचार में। दोस्तों अगर आप लाइव फीड की पूरी हाईलाइट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ हम हाईलाइट्स की ही बात करेंगे कि आखिर लाइव फीड में कल से आज तक हुआ क्या है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ कल ज्यादा कुछ खास रात में हुआ नहीं था, जब हमने आपको यहाँ कल वाली हाईलाइट दी थी उसके बाद में यहाँ टास्क जो हुआ था उसको हमने आपको पहले बता दिया था कि ये टास्क होना है, इसमें मीडिया जानी है, जिगना बोरा से बातचीत होनी है, उससे पहले जो फाइट हुई थी वो हमने आपको बता दी थी। तो आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है और सबसे पहला जो मुद्दा है वो है मुनव्वर वर्सेस UK07। तो यहाँ इन दोनों का कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी फाइट हुई हो, इन दोनों के अलग अलग लोगों से ज्यादा फाइट हुई है, आपस में एक दो बार आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें कि यहाँ उतने बड़े आर्ग्यूमेंट नहीं थे। और यहाँ एक चीज नोटिस मैंने करी है कि इन दोनों की अगर किसी दूसरे से फाइट होती है तो ये जो है उसे थोड़ी देर बाद सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपस में जब भिड़ते हैं तो यहाँ ये भिड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर बातचीत करते ही नहीं है, दोनों यहाँ एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ने बाहर की दुनिया से ही प्लान बना लिया है कि भाई साहब ये जो बंदा आ रहा है उसे मुझे इग्नोर करना है, इससे मुझे फाइट ही रखनी है, इससे मुझे अपोजिट में ही खेलना है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ कैमरे पर देखने को लग रहा है ये बातचीत। इसके बाद में यहाँ UK07 ने आज अपना स्ट्रगल बताया। जी हाँ, उन्होंने आज यहाँ बताया किस तरीके से उनके पापा को, उनके पेरेंट्स को कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, जब उनके पापा क्योंकि वो टीचर थे तो उनसे यहाँ लोग कहते थे कि भाई तेरा बेटा ही तुझसे नहीं समझ रहा है तो फिर तू दूसरों को क्या ही ज्ञान देगा। उन्होंने यहाँ कहा कि लोग कहते थे कि तेरा बेटा पूरा दिन बाइक लेके घूमता रहता है, पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता है, वो क्या करेगा, तू अपने बेटे को पहले संभाल फिर ज्ञान दे, और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फैमिली से आता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसी फैमिली जो एकदम लो में रहती थी उससे आया हूँ, तो मैंने जो करा है और आज जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पर प्राउड फील हो रहा है कि मैं जो है अपने यहाँ घर वालों के सपने पूरे कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात है यहाँ UK07 यानी कि बाबू भैया के बारे में। इसके बाद में अंकिता और ऐश्वर्या के बीच में आज आर्ग्यूमेंट फाइनली हो ही गया, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है। यहाँ अंकिता जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी ऐश्वर्या के सामने, लेकिन ऐश्वर्या भी यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगी जब अंकिता खुद उनसे बातचीत करने गई थी, जबकि यहाँ होना ये था कि ऐश्वर्या को अगर कोई बात बुरी लगी है तो उनको यहाँ अंकिता से सीधे बात करनी थी, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। यहाँ देखने को मिल रहा था कि ऐश्वर्या जो है अंकिता से बातचीत नहीं कर रही थी, उल्टा यहाँ देखने को ये मिल रहा था कि वो जो है दूसरे लोगों से अंकिता की और विक्की जैन की चुगलियाँ करते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, इसमें यहाँ सबसे बड़ा जो मेजर था जो चुगली कर रहा था वो है नील भट्ट। वो हर एक इंसान के पास इसमें गया है और उसने सिर्फ यही कहा है कि आप लोग अपने डिसीजन लो, आपको कोई मैनिपुलेट ना करे, आप लोग ये करो, आप लोग वो करो। तो यहाँ नील भट्ट के जो पूरे इंटेंशन रहे हैं वो यही रहे हैं कि अंकिता लोखंडे के चक्कर में आप ना आए, उसके से बेवकूफ़ ना बने, इन्फ्लुएंस ना हो, उसके लिए आप स्टैंड ना लो। और यहाँ मज़े की बात ये है कि जो दूसरे कंटेस्टेंट थे उन्होंने भी सेम रिप्लाई दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हमको पता है कौन कैसे खेल रहा है, कौन कैसे नहीं खेल रहा है, तो आप जो है टेंशन ना लें, हम जो है किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हाँ हमें पता है कि कुछ लोग यहाँ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नील भट्ट जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, यहाँ आप कह सकते हैं कि नील भट्ट और ऐश्वर्या इस गेम में अब तक के सबसे कमजोर खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ बिग बॉस ने पूरी तरीके से समझाया कि आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हैं या फिर आपकी बातों तो को काट देते हैं। तो यहाँ ऐश्वर्या और नील भट्ट ने बाहर आकर ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि कहीं ना कहीं मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये जो है बाहर जाकर बवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो जो है और भी ज़्यादा अपने सेल में चले गए, दूसरों से चोरियाँ करने लगे, अपनी बात को यहाँ कन्फ्रंट नहीं किया, अपनी बात को एक दूसरे के सामने नहीं रखा, तो जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो है कमजोर खिलाड़ी है और आगे से शायद हो सकता है कि मेकर्स इनको इतना भाव ही ना दें। हालांकि
तो देखना ही होगा क्योंकि यहाँ ऐश्वर्या जो है मेकर्स की फेवरेट बताई जाती है। इसके बाद में यहाँ एक और चीज देखने को मिल रही है, वो है मुनव्वर और अंकिता की दोस्ती। ये दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ में देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे का जो एक दूसरे के साथ बैठना उठना है दोनों को ही पसंद आ रहा है, यानी कि एक दूसरे की कंपनी को दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों की दोस्ती कहाँ तक जाती है, क्योंकि आज तो ऐसा ज्यादातर देखने को मिला है कि मुनव्वर जो है अंकिता के पास बैठने की कोशिश कर रहे हैं और उनके हर बात में घुस भी रहे हैं और अंकिता भी उनको अलाउ कर रही है। अंकिता भी यहाँ आप कह सकते हैं कि चाहती है कि मुनव्वर उनके साथ में रहे, क्योंकि मुनव्वर कहीं ना कहीं गेम में अच्छे से खेल रहे हैं और लोगों को समझ आ चुका है कि ये जो बंदा है वो दिमाग से खेलता है, बेवकूफियां नहीं करता है। उसके बाद में हम आपको बता दें कि घर के अंदर टास्क चल रहा है, टास्क की जो ब्लाइंड्स है वो बंद कर दी गई है, यानी कि जो घर की ब्लाइंड्स है वो बंद कर दी गई है, ग्राउंड एरिया को बंद कर दिया गया है, उसकी ब्लाइंड्स ऑफ कर दी गई हैं, तीनों रूम्स की जो ब्लाइंड्स है वो ऑफ कर दी गई हैं। लोगों से बोल दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग एरिया और किचन एरिया में ही रहेंगे। बात करें आज के आने वाले एपिसोड की, तो आज के आने वाले एपिसोड में आपको कुछ फाइट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि जिगना जी की शायद पीसी आपको देखने को ना मिले क्योंकि उसे अभी तक प्रोमो में नहीं दिखाया है। तो इस तरीके का है यहाँ आज के लाइव फीड का हाल, और आज से अब से आगे आने वाले लाइव फीड का हाल जो है हम आपको गजब समाचार लाइव पर बताते रहेंगे। अगर आप वहां जाएं तो आपको मिलेगा कि पूरे लाइव फीड की छोटी छोटी सी वीडियो हम आपको वहां फोटोज के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरीके से खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।